मॉर्निंग चिल्ड्रन, प्रीवियस लेक्चर में सॉलिड स्टेट में आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स देखे सेल की कैटेगरी और वॉइड्स के ऊपर। न्यूमेरिकल वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, कैरफुली देखना वीडियो को और 101% वहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। आज हम करेंगे डेरिवेशन, थ्री डेरिवेशन आज हम करेंगे। हाउ वी रीच द वैल्यू कि आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है सिंपल सेल की वो होती है 52.4%, बीसीसी की होती है 68% और एफसीसी गॉट पैकिंग एफिशिएंसी 74%। मतलब आज हम प्रूव करेंगे कि किसी पर्टिकुलर सेल का पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। जैसे मैंने बोला सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग एफिशिएंसी अलग है, बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी अलग है और आपकी एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी अलग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले ये पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूं, सेकंड या थर्ड वीडियो में होगा। जब हम किसी सेल को एटम से फिल करते हैं तो एटम से फिल करने के बाद जो सेल के बीच में वैकेंट स्पेस बचता है वो वैकेंट स्पेस क्या है, वॉइड। और जितना सेल का स्पेस उस एटम ने ऑक्यूपाई करा है उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोले डेफिनेशन तो आप क्या बोलोगे, द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और पार्टिकल इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ सेल। तो देखिए आपके पास सिंपल क्यूबिक सेल है और सिंपल क्यूबिक सेल में आपके पास टू एटम्स अरेंज है यहां आपके कॉर्नर्स पर। ये भी मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने एटम्स को कॉर्नर पर अरेंज करा एज पर तो दोनों एटम की बाउंड्री एक दूसरे को टच करेगी अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। देखिए अब ध्यान देंगे ये जो है क्यूब का ये क्या होती है बेटा, एज ए है तो ए क्या होगा आपका ए इक्वल टू आर। मतलब सिंपल क्यूबिक सेल की जो एज है और उसके कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है उनका रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू आर। ये ध्यान रखना, बहुत बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल अगर देना होगा वन मार्क में, आजकल आप भी दे हॉट्स वगैरह का जमाना है रीजनिंग असर्शंस वगैरह में तो आप दे सकता है कि सिंपल क्यूबिक सेल की रेडियस 10 पिकोमीटर है तो बताइए सिंपल क्यूबिक सेल का एज लेंथ क्या है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी तक तो नहीं है चांस आ जाएगा। देखिए इक्वल टू आर लिखा, दूसरी चीज पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सेल का फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये तीनों डेरिवेशन में लग जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जैसे फॉर्मूला क्या बोलता है, रैंक ऑफ सेल इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल इंटू 100। मतलब किसी सेल में कितने एटम्स हैं उन एटम्स का वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे किसी सेल में टू एटम है, जैसे मैंने बोला आपके पास बीसीसी सेल है तो बीसीसी सेल में टोटल एटम्स कितने होंगे, टू। तो आप क्या लिखोगे, टू अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो रैंक क्या होगी इसकी, टू होगी बेटा बीसीसी के लिए। वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम कैसा होता है स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr³। तो करके देखते हैं, देखिए तो यहां देखिए क्या करोगे आप, थोड़ा लेंथी करेंगे ताकि वो 3 मार्क्स मिले बोर्ड एग्जाम में। आप क्या लिखोगे, सपोज एज ऑफ सेल इक्वल ए, रेडियस ऑफ एटम इक्वल आर। ओके क्या रिलेशन है, आप क्या लिखोगे यहां, फ्रॉम डायग्राम, डायग्राम से क्या दिख रहा है आपको, आर प्लस आर इक्वल ए, तो आप क्या लिख दोगे ए इक्वल टू आर। ये रिलेशन आया, ये रिलेशन किस चीज का रिलेशन है, ये रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का। अब फॉर्मूला आइए पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सेल का, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, रैंक, रैंक कितना होता है सिंपल सेल का, सिंपल सेल के लिए रैंक की वैल्यू होती है 1 होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 × 1/8 इक्वल 1 करा आता है या करके दिखाऊं, ये ऐसे करा था हमने ये, तो ये वैल्यू क्या रैंक इसकी 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम स्फेरिकल होता है तो आप क्या लिखोगे 4/3
पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल, सेल क्या क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या लिख दोगे ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई। ओके अब क्या करना है आपको वैल्यू प्लेस करना है आपका जो ए है ए किसके इक्वल है आपका टू आर के तो मैं यहां वैल्यू प्लेस कर देता हूं यहां रख करके देखिए आप क्या लिख दोगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ऑन द प्लेस ऑफ ए आप क्या लिख दोगे 2R³ मल्टीप्लाई बाय 100 क्लियर है ये वैल्यू कोई डाउट तो नहीं है पूरा सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में सिंपल लिखोगे सॉल्व करोगे वैल्यू क्या आएगी 52.4% ये सिंपल क्यूबिक सेल का डेरिवेशन क्लियर है तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की जो आपकी सेल है उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का छोटा सा डेरिवेशन बढ़ते हैं आगे देखिए सेकेंड डेरिवेशन देखिए आप फेस सेंटर क्यूबिक सेल के लिए ये आता है एग्जाम में सिंपल वाला नहीं आएगा एग्जाम में एग्जाम में दो ही आज तक आए हैं तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है सीबीएसई का 12 साल हो गए 2008 में सिलेबस चेंज हुआ है आपका अगर डेरिवेशन आने हैं पैकिंग एफिशिएंसी पर या तो पूछेगा बीसीसी के लिए या पूछेगा डेरिवेशन एफसीसी के लिए तो एफसीसी का डेरिवेशन ध्यान से देखिए देखिए सपोज आपके पास एक यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल का फेस डायगोनल एफसीसी बताया था मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल ये जो डायगोनल है फेस का डायगोनल है क्लियर आपने एटम्स को अरेंज करा मैंने बताया भी था ट्रिक में कि जब हम डायगोनल पर एटम्स अरेंज करते हैं तो इस पैटर्न में अरेंज होते हैं डायगोनल पर ये इस एटम का सेंटर है ये इस एटम का सेंटर है तो यहां से यहां तक क्या होगा रेडियस आर ये वैल्यू क्या होगी यहां से यहां तक 2R और ये वैल्यू क्या होगी बेटा R तो ट्राइंगल ए बी और सी और ट्राइंगल कौन सा है 90 डिग्री ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम जानते हो आप इन ट्राइंगल क्या हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अब ये ए बी और बी सी क्या है एज लेंथ है क्यूब की तो इसकी वैल्यू क्या है ए तो आप एसी के प्लेस पर क्या लिखोगे बेटा आर प्लस 2R+R तो क्या हो जाएगा बेटा 4R का होल स्क्वायर इक्वल ए बी क्या है आपका ए तो आप क्या लिख दोगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओपन करोगे क्या हो जाएगा 16R² एंड 2A² ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन जो है निकल क्या करोगे आगे मैं कर देता हूं छोटा सा आर स्क्वायर इक्वल 2/16A² ओके आर इक्वल 2/16A² ये रूट ये बात अब जरूरी नहीं है कि आप इसके अकॉर्डिंग चले या ए को बाहर निकालो आपके ऊपर है आपको जो करना होता है ना अब ये वैल्यू आ गई आपके पास यहां सॉल्व करोगे क्या आएगा आर इक्वल √2/4A आप चाहोगे यहां छोड़ दो और सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व हो जाएगा आगे टू उस पर टू टू का फोर होता है टू का होल स्क्वायर हो जाएगा कट जाएगा तो वो डिपेंड करेगा देखिए अब यहां देखिए आप पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला एफसीसी के लिए फॉर्मूला तो सेम ही है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 100 एफसीसी सेल के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 4 तो आपने वैल्यू क्या प्लेस करी ऑन द प्लेस ऑफ जेड 4 वॉल्यूम ऑफ एटम वही है 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ सेल क्या लिख दोगे आप ए क्यूब अब देखो हमने कहा क्या है यहां आर को बाहर निकालना है यहां तो अब ध्यान ये रखना है आपको वैल्यू यहां इस ए के प्लेस यहां आर के प्लेस पे रखनी है अगर आपको ए बाहर निकालना है तो ए को ले लो बाहर थोड़ा कर देते हैं ज्यादा इजी रहेगा और देखो कि प्रीवियस डेरिवेशन में हमने क्या करा है ए को बाहर निकाला है थोड़ा कुछ नया हो जाएगा थोड़ा अच्छा चाहो तो छोड़ सकते हो क्लियर कर लोगे ये आर है यहां इसकी वैल्यू प्लेस कर दो क्या बन जाएगा कर ही देते
फोर इंटू फोर अपॉन थ्री पाई, आर के प्लेस में क्या लिख दोगे, रूट टू अपॉन फोर ए का होल क्यूब अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व और नहीं करना है उसमें, मल्टीप्लाई डिवीजन सिंपल ध्यान रखना है। क्या लिखोगे सॉल्व करके अप्रोक्स 74%। ये जो आप सॉल्व करोगे वैल्यू, आपको वैल्यू मिलेगी अप्रोक्स 74%। तो ये डेरिवेशन है किसका, एफसीसी का। ओके, यहां इसको और छोटा आप कर सकते हो चाहे, ये और इजीली हो जाएगा सब छोटा, मैं करके दिखाता हूं। आर इक्वल क्या लिखा आपने, रूट टू अपॉन फोर के, ये घटा रहा हूं थोड़ी देर, क्लियर, ये क्लियर है ये डेरिवेशन, हटा रहा हूं। देखिए इसको डायग्राम जैसे, देखिए आपने लिखा आर इक्वल रूट टू अपॉन फोर ए, आप चाहे कैसे लिख सकते हैं, रूट टू अपॉन टू इंटू टू ए, कट करोगे इसको तो क्या बचेगा, रूट टू, तो क्या बन जाएगा आर इक्वल ए अपॉन टू रूट टू, और नहीं कर जाओगे इक्वल क्या बन जाएगा टू रूट टू आर। तो वो छोटी सी कैलकुलेशन है मैथ की, वो आप चाहे तो कर लें, नहीं चाहे तो ये कर लें, सिंपल ये। इस पर भी न्यूमेरिकल आता है 2 मार्क्स में, आपको बोलेगा फेस सेंटर सेल का रेडियस इतना है 10 पिकोमीटर है, बताइए फेस सेंटर सेल का एज लेंथ क्या है। तो ये जो फॉर्म रिलेशन है, ये सेल की एज और रेडियस का रिलेशन, क्लियर है। तो ये डेरिवेशन है आपके फेस सेंटर यूनिट सेल का। बढ़ते हैं, देखिए बेटा थर्ड डेरिवेशन देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल का। अब बॉडी सेंटर्ड में आपको बताया मैंने, देखिए डायग्राम पहले क्या बोले, डायग्राम पर ध्यान दीजिए, उधर मत देखना भाई, यहां देखिए ये बॉडी डायग्राम है आपका ए बी, इस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल, ये बॉडी का डायग्राम ए और बी, मतलब ये बाहर वाले पॉइंट से ये क्यूब का पीछे वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस ए को यहां अटैच करा तो क्या बन जाएगा, फेस डायग्राम, और फेस डायग्राम की वजह से किसमें चला जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के डेरिवेशन में। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं, आप बोलोगे सर यहीं क्यों ऐड करा आपने, यहां क्यों ऐड नहीं करा, अगर आपने इसको इससे ऐड करा तो ये क्या होगा, फेस डायग्राम, मतलब आपने यहां से यहां ऐड कर दिया। अभी हम कर क्या रहे हैं, ये इस वाले आगे वाले पॉइंट से पीछे वाले पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, ये आगे जो पॉइंट है उसको पीछे ज्वाइन कर दिया, ये पीछे की ओर, मतलब आपका ये जो डायगोनल है क्यूब के बिल्कुल सेंटर से निकल रहा है, बीच से होकर, तो ये आगे वाला पॉइंट क्यूब का और ये क्यूब का पीछे वाला पॉइंट, पीछे मतलब बिल्कुल पीछे वाला पॉइंट। आपने एटम को अरेंज करा, थ्री एटम सॉरी, तो ये क्या हुआ आपका, ये रेडियस, ये 2r और ये r, तो ab की वैल्यू क्या हुई आपकी 4r। आपने इसको अरेंज करा, अटैच कराया, अब ये देखिए ये कौन सा डायगोनल है, ये आपका फेस ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल, आपको कितने ट्राइंगल दिखते हैं, ए बी सी एंड बी सी डी, सी डी क्या है आपका, एज लेंथ है, एज लेंथ है सी डी, और बी डी क्या है आपका, ये भी एज लेंथ है, और ट्राइंगल ए बी सी इसमें क्या है, ये भी आपका एज लेंथ है, तो 3 एज लेंथ। सबसे पहले मैं देखो ध्यान से, और डेरिवेशन जब भी आप करें पहले ये ध्यान रखें कर क्या रहे हैं, हमें चाहिए आर और ए का रिलेशन यहां। अब आपको जो ट्राइंगल लेना है वो लेना है ए बी और सी, अब आपको ये सी पता नहीं है, ये वाला सी, ये बी सी, तो बी सी को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, बी डी और ये सी। तो देखिए इन ट्राइंगल बी डी सी, ओके ये डायगोनल है, ये लेंथ है, तो आप क्या लिखोगे, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल सी डी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर, ये डायगोनल है, सबसे बड़ी लेंथ ये है, तो आप क्या लिख दोगे, बी सी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या बताइए 2a स्क्वायर, ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लोगे आप ट्राइंगल
इन ट्रायंगल ए बी और ये सी। डायगोनल ये है सबसे बड़ी लेंथ, तो आप क्या लिखोगे ए बी का होल स्क्वायर। सबसे बड़ा डायगोनल होता है बॉडी डायगोनल, पहले ही बताया था मैंने आपको लेक्चर नंबर टू में। टू डायगोनल होते हैं बॉडी और फेस, सबसे बड़ा डायगोनल बॉडी वाला होता है, बिल्कुल सेंटर से निकलता है। ए बी स्क्वायर इक्वल क्या लिखोगे बी सी स्क्वायर प्लस ए सी। ओके, ए बी किससे बना हुआ है मिलके फोर आर से, आप क्या लिखोगे बेटा 4R का होल स्क्वायर। बी सी ये बी सी आपने निकाला है, क्या लिख दोगे 2A स्क्वायर। ये बी सी स्क्वायर ऑलरेडी वैल्यू है तो ये नहीं बोलना, जैसा स्क्वायर बाद में लेंगे। ए सी स्क्वायर A है तो आप क्या लिख दोगे A का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 16R स्क्वायर इक्वल 2N प्लस 1 3, ये लिख दोगे 3A स्क्वायर। ओके, आपने ए लिया, ए स्क्वायर इक्वल 16 अपॉन 3 आर स्क्वायर। और सॉल्व करोगे ए इक्वल 16 अपॉन 3 आर स्क्वायर, ये अंडर रूट। सॉल्व करोगे ए इक्वल 4 अपॉन रूट 3 आर, ये रिलेशन है आपकी बीसीसी का, ये इंपॉर्टेंट है। क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ का, किसमें बीसीसी यूनिट सेल में। ओके, आ जाइए दोबारा पैकिंग एफिशिएंसी के लिए, क्या लिखोगे फॉर्मूला जेड इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल मल्टीप्लाई बाय 100। जेड की वैल्यू कितना होता है रैंक ऑफ सेल बीसीसी के लिए 2, आप लिख दोगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, क्या फॉर्मूला लगाओगे 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब ए के प्लेस में क्या रखना है वॉल्यूम, क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 अपॉन 3 में मिटा देता हूं, ऐसे देख लो मैंने एक बार ढंग से ये डायग्राम देखिए थोड़ा स्पेस कर देखिए क्या रहा था 2 इंटू 4 अपॉन 3 पाई आर क्यू अपॉन ए के प्लेस में आपने क्या रखा ये वैल्यू, क्या हो जाएगा 4 अपॉन रूट 3 आर क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करोगे एप्रोक्स वैल्यू आएगा 68%। तो ये बीसीसी का डेरिवेशन। ओके, तो ये तीन डेरिवेशन मैंने आपको बताया आज, सिंपल क्यूबिक सेल का, फेस सेंटर यूनिट सेल का और बीसीसी का। आउट ऑफ दीज थ्री डेरिवेशन आपके टू डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीसी और एफसीसी। सबसे ज्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स आने हैं एफिशिएंसी के ऊपर, तो यहां से आने बीसीसी और एफसीसी के ऊपर। ओके, वीडियो लेक्चर्स कैरफुली देखिए और ज्यादा कुछ चैप्टर बचा नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट सब ज्यादा है, आगे छोटा सा डेरिवेशन है और जैसे कंप्लीट होगा दोबारा हम टेस्ट प्लान करेंगे और बार बार देखें वीडियो। थैंक यू, नमस्कार।